Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çetin cemaat Yetul Babu Talibat of Boys High School Dehradun. Aaj 13 August 2020 ek bar fir apne subject science ki taraf dhyan dene ki koshish karenge. Kyunki hamara jo aaj lesson hai wo hai garbage in and garbage out. And out of this lesson today our topic is waste management. When waste is a problem, we know that when the quantity and the concentration of the waste is too much, it becomes a hazard, it becomes a problem. When waste is not managed properly, it becomes harmful to health and can cause damage to environment. When it is not disposed properly, it can lead to air, soil, water pollution. बच्चों हमें पता है कि हमारे घरों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे कारखानों में, फैक्ट्री में जो वेस्ट जमा हो रहा है, अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ये वेस्ट हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है. इसकी क्या वजह है? इससे हमारी जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है, हमारी जिंदगी बिल्कुल अजीर्ण बन जाती है, और अगर हम इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो नतीजा ये निकलता है कि ये हवा को भी आलूदा बनाता है, सॉइल जमीन को भी आलूदा करता है, और इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है. लिहाजा ये हमारे लिए एक खतरा बन जाता है, तो हम इसके लिए कुछ न कुछ सदबाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. लिहाजा हम चाहते हैं कि जो ये वेस्ट है ये किस तरह हम मैनेज करें. सो आवर टॉपिक इज वेस्ट मैनेजमेंट. व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट? वेस्ट मैनेजमेंट द प्रैक्टिसेस विद विच द वेस्ट आर रीयूज्ड, रिसाइकल्ड और डंप्ड प्रॉपरली इज नोन एज वेस्ट मैनेजमेंट. वो अमल जिसकी वजह से ये वेस्ट हम या तो एक बार फिर इस्तेमाल में लाएंगे या इसको रिसाइकल करेंगे, दोबारा तैयार करेंगे ताकि ये फिर इस्तेमाल में लाया जा सके, या अगर कुछ न हो सके तो हम इसको किसी अच्छी तरीके से डंप करने की कोशिश करेंगे, डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे. दैट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट. वी नो द किचन गार्बेज, जो हमें किचन में से गार्बेज निकलता है, लाइक पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, अनयूज्ड फूड, प्लांट कटिंग्स एंड एनिमल डंग एक्स्ट्रा, जो हमारे इर्द गिर्द हमारे जो मवेशी होते हैं, माल मवेशी, उनसे जमा होता है, इसको हम किस तरह से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे या रीयूज करने की कोशिश करेंगे या कंपोस्ट में चेंज करने की कोशिश करेंगे. हम इसको क्या करते हैं? हम इसको किसी दूर जगह ले जाते हैं और हम एक पिट बनाते हैं, जमीन खोदते हैं, पिट बनाते हैं, उसमें ये जमा करते हैं ताकि कुछ देर के बाद, कुछ वक्फे के बाद अगर हम देखेंगे तो ये मैन्यूर बन जाता है. द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्यूर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. जब हम इसको किसी जगह, ऐसी जगह जमीन में, किसी पिट में, किसी गड्ढे में डालते हैं और फिर उसके ऊपर सॉइल डालते हैं, जमीन डालते हैं, इसको कवर करते हैं, इस पिट को, तो हम कुछ महीनों के बाद देखते हैं कि ये जो सब मटेरियल होता है ये चेंज होता है किसमें? मैन्यूर में. और हम इसको अपने खाद के तौर पर अपने जमीन में इस्तेमाल करते हैं. दैट इज कॉल्ड कंपोस्टिंग. एंड दिस कंपोस्ट इज यूज्ड एज मैन्यूर इन आवर फील्ड्स. इसके अलावा एक साइंटिफिक तरीका यह भी है कि हम वर्मी कंपोस्टिंग बनाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं. वो कैसे? हमें पता है कि जो अर्थवर्म्स होती हैं, दे आर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. अर्थवर्म्स आर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स. एक्चुअली ए टाइप ऑफ अर्थवर्म नोन एज रेड अर्थवर्म्स, दे आर यूज्ड फॉर
the composting. The compost formed with the help of these red worms, red earthworms, is known as vermicomposting. Hum kya karte hain? Hum ek gadha khodte hain, usme ye sab jo wastes nikalte hain, vegetable wastes, fruits, husks, stalks of plants, animal dung and other such things, hum isko is gadhe mein dalte hain aur isko tab tak hum rakhte hain aur upar se hum bazaar se ya kahin se ye red worms khareed kar late hain aur unme dalte hain. Phir kya karte hain, is gadhe ko upar se kisi cloth se ya paper se ya boriyon se dhakkan band karte hain. Hum kya dekhte hain, kuch der ke baad, kuch dinon ke baad hum dekhte hain ki ye jo sab vegetable wastes vagaira hum usme dalte hain to isko ye red worm change karte hain compost mein. This is called vermicomposting. Aur ye jo vermicompost hai, ye bilkul ek achhi khad hai, khad ke taur par istemal kiya jata hai. Hum apne fields mein, kheton mein isko khad ke taur par istemal karte hain. The compost will be taken out of the waste by the action of the red worms and can be used in as manure in the fields by our farmers. So with these practices we manage this waste. You students should also try to manage waste at your home in order to keep your environment clean. Thanks.